हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक और नई वीडियो में। यार इस वाली वीडियो में मैं इस वाले सीजन का आपको बोया पास दिखाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ओपी और काफ़ी अच्छा बोया पास है गाइस। तो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरह से बोया पास, जो दोनों एक इवेंट भी चल रहा है वहाँ से बोया पास ले सकते हैं और सबसे कम डायमंड में मिल रहा है, जहाँ से आपको स्पिन करने का एक चांस है और एक आपको वहाँ पर 499 में वहाँ पर बोया पास दिया जा रहा है। दोनों साइड में बोया पास है, लेकिन कौन सा सबसे बेस्ट है और कौन सा कम डायमंड में मिल रहा है मैं आपको ये अभी परचेस करके बता देता हूँ। तो गाइस जैसा कि हमने यहाँ पर स्पिन किया, यहाँ पर आपको स्पिन देखने को मिल रही है 90 डायमंड में। एक स्पिन है जो कि 10 प्लस 1 यानी कि 11, आपको 11 बार कुछ ना कुछ निकलने का चांस दिया जाएगा, और जो 9 की स्पिन होगी उसमें एक बार ही निकलेगा, चाहे आपका एक टोकन भी निकल सकता है एंड आपका बोया पास भी निकल सकता है 9 डायमंड में। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दूँ, वीडियो को एंड तक देखो और एंड में आपको कुछ सरप्राइज़ है, जिसको भी सरप्राइज़ वो मिल जाएगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट, वीडियो में आप कमेंट कर देना कि हाँ मेरे को ये मिल चुका है, ठीक है। और गाइस आप लोग को बोया पास निकाल के दिखाता हूँ मैं, और काफ़ी ज़्यादा डायमंड तो लग रहे हैं, लेकिन लास्ट में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर टोकन से एक्सचेंज करने का आपको ये भी बताया गया कि आप टोकन से भी एक्सचेंज कर सकते हो बोया पास को। पहले आपका बोया पास अगर निकलता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं निकलता है तो आप टोकन से भी एक्सचेंज कर सकते हो। 125 टोकन में आपको नॉर्मल बोया पास यानी कि जो 499 में वहाँ पर मिल रहा है, और आपको 200 कुछ टोकन में शायद मिल रहा है वो बड़ा, हाँ 200 टोकन में मिल रहा है। टोटल 200 टोकन में आपको बड़ा वाला बोया पास यानी कि जो 999 यानी कि 999 डायमंड वाला बोया पास आपको दिया जा रहा है। दोनों में से आपको जो चाहिए वो ले सकते हो, और दोनों एक हिसाब से बेस्ट बोया पास है और काफ़ी अच्छा बोया पास है। मैं आपको और स्पिन करता हूँ, अभी मेरे पास टोटल 51 डायमंड बचे हैं। 9 की स्पिन करते हैं, 9 की 3-4 स्पिन करके देखते हैं क्या निकलता है। 9 की स्पिन में भी यार कुछ नहीं निकल रहा है फिलहाल, एक टोकन निकल रहा है गाइस, ये क्या चीटिंग है। एक 9 के 9 डायमंड में एक टोकन, अभी बचे हैं टोटल 24 डायमंड गाइस, 2 टोकन मिला इस बार। और करते हैं स्पिन, 9 डायमंड की स्पिन करते हैं, क्योंकि 9 डायमंड की स्पिन हो सकती है, 90 की नहीं हो सकती, क्योंकि अभी अपने पास डायमंड नहीं है, अब चलेंगे डायमंड लाने। तो गाइस यहाँ पर चलते हैं डायमंड लाते हैं, किसी से डायमंड बोलते हैं कि वो डायमंड गिफ्ट कर दे मेल बॉक्स में थोड़ा डायमंड। तो गाइस अब टोटल बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 डायमंड, डायमंड की कमी हो गई, अभी डायमंड लेके आते हैं। तो गाइस यहाँ पर 172 डायमंड, 4-5 लोगों से कहा मैंने तो उन्होंने दिया 172 डायमंड अब हो गया है। और इसमें स्पिन करते हैं एक 90 की स्पिन, पहले 2 की स्पिन कर दी, 2 टोकन निकला, अब ये लास्ट स्पिन होगी 90 की, क्योंकि इसके बाद अब डायमंड टोटल 73 है तो 90 की स्पिन नहीं हो सकती। इसके बाद 9 की स्पिन करेंगे, देखते हैं क्या इस 90 की स्पिन में निकल जाता है क्या बोया पास। अगर निकल गया तो अच्छी बात है, और नहीं निकलेगा तो हम अब 9 की स्पिन करेंगे। तो गाइज कुछ कॉन्ग्रेचुलेसन गाइज, बोया पास निकल चुका है हमारा, इसी 90 की स्पिन में ही बोया पास निकल चुका है, और काफ़ी अच्छा ये बोया पास है। आपको कलेक्शन दिखाता हूँ, इस बोया पास में क्या क्या खास है ये दिखाता हूँ। और गाइज ये आपको थोड़ा मेरी तरफ से रिडीम दिया गया है, और जो लोग भी करना चाहते हैं कर सकते हो, और जिस जो भी करेगा आप कमेंट जरूर से कर देना कि आपको रिडीम कोड मिल चुका है। तो वो अंदर दिखाते हैं बोया पास में क्या क्या कलेक्शन है गाइज, वो दिखाते हैं आपको, और काफ़ी अच्छा ये बोया पास है। फिलहाल मैंने अभी परचेज़ किया स्टार्ट में ही, अभी 3-4 दिन हुआ ये बोया पास आए, और काफ़ी अच्छा बोया पास है। और 150 की जो आपको 150 लेवल करने पर आपको एक काफ़ी अच्छा इमोट दिया जा रहा है गाइस, तो हमको इमोट आपको एंड में दिखाते हैं, एंड तक वीडियो को देखो, वीडियो में आपको एंड में दिखाऊंगा इमोट कौन सा आपको मिल रहा है और कितना अच्छा इमोट है वो लास्ट वाला। तो गाइस चलो अब इमोट दिखाते हैं हम आपको, 150 लेवल पर ये इमोट मिल रहा है गाइस, ये इमोट आपको देख सकते हो, काफ़ी अच्छा इमोट है।